सीधे पैसे भेजने का काम भाजपा ने किया है। किसान सम्मान निधि के रूप में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हमने किसानों के खाते में जमा किए हैं, 3.25 लाख करोड़। साथियों, कांग्रेस किसानों को अपने हाल पर छोड़ देती है। मैं आपको फिर कर्नाटक का उदाहरण दूंगा जहां कांग्रेस की सरकार है। देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है। कांग्रेस के सिर्फ कुछ महीनों के राज में आप सुनकर के चौंक जाएंगे, कुछ ही समय के राज में कर्नाटक में करीब 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। अरे डूब मरो कांग्रेस के लोग, आपके मुंह में किसान के नाम पर झूठ फैलाने का पाप पड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि सूखा पीड़ित किसानों की कांग्रेस वहां की सरकार ने मदद नहीं की। और ये झूठे लोग यहां हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साथियों, कांग्रेस की राजनीति झूठे वादों और देश में अराजकता फैलाने के हथकंडों तक ही सीमित हो चुकी है। आप जरा याद कीजिए, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था।